नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन. मान लीजिए वी हैव द टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई हुज मल्टीप्लाई इज जेड. लेट जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. एक्स और वाई हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, जेड मिलता है. ओके, तो ये है एक्स की मेजर्ड वैल्यू, ये वाई की मेजर्ड वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जेड की क्या मिल जाएगी, मेजर्ड वैल्यू. चलिए, तो आप एक्स को कैसे रख सकते हैं, हम एक्स को लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर मल्टीप्लाई. ऐसे ही वाई की वैल्यू रखेंगे, ये वाई की क्या है, ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर ऑफ वाई. तो एक्स और वाई की मेजर्ड वैल्यू थी, हमने उनको ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर में लिख दिया. ऐसी ये जेड की क्या है, मेजर्ड वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर. तो हमने, हमारे पास दो टर्म थे एक्स और वाई, ये एक्स की मेजर्ड वैल्यू, वाई की मेजर वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करी तो हमें कुछ मिला जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया, और ये जेड की क्या है, मेजर्ड वैल्यू. चलिए, फिर हमने तीनों को ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर की फॉर्म में लिख दिया. ओके, जेड की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ऑफ जेड इज इक्वल टू, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स की मल्टीप्लाई से तो आपको मिलेगा एक्स बार इंटू वाई बार. चलिए, इसकी मल्टीप्लाई से कर दीजिए तो आपको मिलेगा एरर ऑफ एक्स इंटू वाई बार. चलिए, अब एक्स, चलिए नाउ प्लस माइनस, हमने वाई बार की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, अब डेल वाई की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार डेल वाई प्लस माइनस डेल एक्स डेल वाई. देख लीजिए, इन चार, इन दोनों की, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द फोर टर्म्स. ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि डेल एक्स और डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल वाई, दीज आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो और भी ज्यादा क्या होगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी. तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे. सिंस डेल एक्स एंड डेल वाई आर स्मॉल क्वांटिटीज, हेंस नेग्लेक्ट डेल एक्स इंटू डेल वाई. तो जब आप डेल एक्स डेल वाई को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा जेड बार प्लस माइनस डेल जेड, एक्स बार वाई बार प्लस माइनस डेल एक्स वाई बार प्लस माइनस एक्स बार डेल वाई. ये टर्म क्या हो चुकी है, कैंसिल आउट. ओके, तो ये आपको मिल गया. अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस तरफ एरर वाली टर्म कौन है, डेल जेड, और इधर एरर वाली टर्म कौन है, दिस एंड दिस. इधर ट्रू वैल्यू कौन है, ये, और इधर ट्रू वैल्यू कौन है, एक्स बार डॉट वाई बार. तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं. तो बाय कंपेयरिंग वी गेट जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार. यहां ये जो जेड बार है वो, ये वाली जो टर्म है वो किसके बराबर होगी, ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी. इस चीज को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इक्वेशन ए मान लीजिए. यहां बिना एरर के कौन सी टर्म है, ये, इधर बिना एरर के कौन सी टर्म है, ये. तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दैट इज अवर इक्वेशन वन. तो इस चीज को नोट कर लीजिए मेरे ख्याल से, ठीक है.
ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ट्रू वैल्यू ऑफ वाई, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू मिलेगी रिजल्टेंट की, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में अगर आपको ट्रू वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, जो भी गिवन वैल्यू है उन दोनों की ट्रू वैल्यू को लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट की क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन वन को z बार से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ z बार से इक्वेशन वन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड z बार से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझा भाई? ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस अपॉन दिस प्लस माइनस दिस अपॉन दिस, यानी z बार अपॉन z बार प्लस माइनस डेल z ओवर z बार, ये दोनों का फॉर्म आ जाएगा। ऐसी x बार डॉट y बार अपॉन z बार प्लस माइनस डेल x y बार अपॉन z बार प्लस माइनस x बार डेल बार। देख लीजिए, इक्वेशन बनाया था दोनों तरफ z की ट्रू वैल्यू यानी z बार से डिवाइड करा, फिर सेपरेट टर्म में ले गया। ओके, तो देखिए मैं इसी में ही अगली टर्म बना देता हूं, z बार से z बार क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म में ये क्या हो जाएगा, वन। क्या बात समझा भाई? या फिर एक काम कीजिए, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, z बार ओवर z बार, ये हो गया। ये बात समझा भाई? चलिए नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, इसमें इसी में कर देता हूं, आप अगले लाइन में करेंगे। तो मैं इस z बार को क्या ले सकता हूं, x बार डॉट y बार, x बार डॉट y बार और x बार डॉट y बार लिख सकता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपकी इक्वेशन a क्या थी, देखिए ये थी आपकी इक्वेशन, तो हमने z बार की वैल्यू रख दी। अब देखिए क्या होगा, z बार से z बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वन, y बार से y बार कट जाएगा और x बार से x बार कट जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। गॉट इट? तो मैं तो एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे, वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं वन से वन को क्या कर देता हूं, कैंसिल आउट। ये बात समझा गए? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, क्या मैं इस प्लस माइनस को कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या बचेगा, अंदर प्लस बचेगा। ये स्टेप क्लियर हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये आपको मिलेगा रिलेशन, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन बी। तो मल्टीप्लाई में दो रिलेशन चलेंगे, मल्टीप्लाई में जब भी हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन रहने वाले हैं, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी। मल्टीप्लाई के न्यूमेरिकल में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी, ट्रू वैल्यू मिलेगी जो भी गिवन वैल्यू है उन दोनों की ट्रू वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद इस इक्वेशन की हेल्प से हम एरर निकालेंगे, क्योंकि मेजर वैल्यू के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो ट्रू वैल्यू और एक एरर। अगर हमें ट्रू वैल्यू मालूम है और एरर मालूम है तो हम मेजर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन था, ये आपको आना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कांसेप्ट और इजी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे,
लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। देखिए आपको लेंथ क्या दे दिया है 11.4 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेथ क्या दे दिया है 6.8 प्लस माइनस 0.4। चलिए दीज आर द गिवन वैल्यू, तो समझिए ये है लेंथ की मेजर वैल्यू, ये है लेंथ की ट्रू वैल्यू और ये है लेंथ का एरर। ये है ब्रेथ की मेजर वैल्यू, ये है ब्रेथ की ट्रू वैल्यू, ये है ब्रेथ का एरर। तो अगर मैं लिखूं एल बार तो समझ सकते हैं एल बार क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ एल, तो वो कितनी है 11.4, ये ट्रू वैल्यू है। और अगर मैं बोलूं डेल एल तो डेल एल क्या है 0.2। समझ आ गया। अब अगर मैं बोलूं बी बार तो बी बार क्या होगा, ये 6.8 और एरर ऑफ ब्रेथ तो कितना होगा 0.4। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ की गिवन वैल्यू थी जिनकी हेल्प से मैंने लेंथ की और ब्रेथ की ट्रू वैल्यू और लेंथ और ब्रेथ की एरर आइडेंटिफाई कर ली। चलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एरिया। ओके हमें एरिया निकालना है तो क्या सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल। एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ऑफ एरिया। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं। तो एग्जामिनर ने हमसे एरिया पूछा है यानी उसकी मेजर्ड वैल्यू, तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एक उसका एरर। तो इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ दीजिए। अब हम वन बाय एक बार ये निकालेंगे एक बार ये निकालेंगे और जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन वन में रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्रू वैल्यू। तो अभी हमने डेरिवेशन किया मल्टीप्लाई का, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, याद आ रहा है इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या थी, जेड बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। जेड बार कैसे निकला था, ए बार मल्टीप्लाई बी बार। तो ट्रू वैल्यू ऑफ ए कैसे निकलेगी, एल बार बी बार। एरिया की ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी, लेंथ की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई ब्रेथ की ट्रू वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 11.4 मल्टीप्लाई ब्रेथ की ट्रू वैल्यू क्या है 6.8। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर दी हुई है, तो एरिया किस में, तो हमारी एरिया की क्या निकल चुकी है, ट्रू वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे एरर। तो देखिए इक्वेशन बी याद कीजिए, मल्टीप्लाई के केस में इक्वेशन बी क्या थी, जेड बार वो सॉरी डेल जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन ए बार प्लस माइनस वो प्लस डेल वाई अपॉन वाई बार। इक्वेशन बी याद आ गए। तो हम कैसे उसको, यहां जेड का काम कौन कर रहा है, ए, तो क्या लिखेंगे डेल ए अपॉन ए बार, ठीक है। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं, डेल जेड अपॉन जेड बार डेल एक्स अपॉन एक्स बार प्लस डेल वाई अपॉन वाई बार, याद आ गया आपको। तो देखिए हमारा जेड का काम कौन कर रहा है, हमारा जेड का काम कर रहा है ए, एक्स का काम कौन कर रहा है एल और y का काम कौन कर रहा है b। जरूरी नहीं हर बार x x और y होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम डेल a निकालेंगे। चलिए तो डेल a हमें निकालना है, नीचे क्या है a बार की वैल्यू आपके पास है 77.5 इज इक्वल टू डेल l कितना है 0.2, एल बार कितना है
11.4, डेल बी कितना है 0.4, बी बार कितना है 6.8। चलिए डेल ए अपॉन 77.5 इज इक्वल टू 0.2 को 11.4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0175 और 0.4 को 6.8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.059। ओके बेटा, इसको इससे डिवाइड करा तो यू विल गेट दिस। डेल ए अपॉन 77.5 इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.0। तो ये आपको मिल गया, इन दोनों को आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ओके, अब मेरे ख्याल से मैं ऊपर कर यही कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस 77.5 की इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म, तो आपको मिलेगा 4.59। यू विल गेट दिस। ठीक है, 4.59। तो अगर आप देखेंगे जब आपने ए बार निकाला तो डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है 1, तो यहां भी हम डेसिमल के बाद क्या एक ही पॉइंट लेंगे तो 9, तो यानी क्या होगा राउंड ऑफ होगा। राउंड ऑफ के रूल आपको मालूम है, 9 5 से बड़ा है, तो यानी जब हम इसको 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो अगला टर्म एक बढ़ जाएगा, तो यानी 4.6। तो देखिए आपने इक्वेशन ए का यूज करके ए बार निकाल लिया है और इक्वेशन बी का यूज करके डेल ए निकाल लिया है। तो जब आप इसको इक्वेशन वन और इसमें रखेंगे तो देख लीजिए, इक्वेशन ए में जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ए इज इक्वल टू, ए बार कितना आया 77.5 प्लस माइनस, और ए बार कितना है 4.6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इक्वेशन ए को यूज करके ट्रू वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इक्वेशन बी को यूज करके एरर निकालेंगे, और फिर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर करेंगे एंड आवर न्यूमेरिकल विल बी गेट सॉल्व। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का मेथड। इसके बाद हम सीखते हैं डिविजन का मेथड। तो हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें हमारा एरिया आया 77.52 प्लस माइनस 4.6, जिसमें 77.52 हमारा ट्रू वैल्यू थी और 4.6 हमारा एरर था। तो इस न्यूमेरिकल में केवल आपसे एरिया पूछा गया था, लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल को हम एक्सटेंड कर दें और न्यूमेरिकल वाला आपसे पूछे फाइंड द रिलेटिव एरर, अगर न्यूमेरिकल को बढ़ा दिया जाए और आपसे इसी न्यूमेरिकल में एक चीज और पूछ ली जाए, पहले तो न्यूमेरिकल में सिर्फ आपसे पूछा गया व्हाट इज एरिया, आपने एरिया निकाल दिया, ये आंसर है। लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल को और एक्सटेंड करें और आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले फाइंड द रिलेटिव एरर, तो कैसे निकलेगा? तो देखिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एरर क्या था 4.6 और ट्रू वैल्यू क्या थी 77.52। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। और अगर एग्जामिनर आपसे ये कह दे थोड़ा सा और आगे जाए कि भाई फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100%, यानी एरर 4.6 अपॉन ट्रू वैल्यू 77.52
अपॉन 100%। तो यहां हमसे अभी तक केवल एरर पूछा गया था जो हमने निकाल लिया, और अगर हमसे पूछे रिलेटिव एरर तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर की वैल्यू ट्रू वैल्यू सॉल्व करके ये आ गया। ऐसे अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाए तो एरर अपॉन ट्रू एरर मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज, तो एरर ऑफ ए अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ए, वो ऐसे वैल्यू पुट कर दी ये एज इट इज मल्टीप्लाई 100%, इसको सॉल्व करके ये आया मल्टीप्लाई 100%, सॉल्व करा तो 5.9%। तो तीन तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा ट्रू वैल्यू और एरर के फॉर्म में, या आपसे रिलेटिव एरर पूछ लेगा, रिलेटिव एरर पूछे तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज एरर पूछे तो मल्टीप्लाई 100% करना पड़ेगा, तो ये आपको आना चाहिए। हमारा लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। अगर डिवीजन का सवाल आ जाए एरर में तो उसको हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लीजिए z इज इक्वल टू x अपॉन y। मान लीजिए हमारे पास दो टर्म है x और y, जिनको आपस में डिवाइड करने का हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा। चलिए तो ये z की ट्रू वैल्यू, ये x की ट्रू वैल्यू, ये y की ट्रू वैल्यू, तो ये z की ट्रू वैल्यू है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी ये z की मेजर वैल्यू, ये x की मेजर वैल्यू, ये y की मेजर वैल्यू, तो ये मेजर वैल्यू है, तो z की मेजर वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ z प्लस माइनस एरर ऑफ z। ऐसी x की मेजर वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एरर ऑफ x अपॉन y की मेजर वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस एरर ऑफ y। ओके, ट्रू वैल्यू ऑफ z प्लस माइनस एरर ऑफ z इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एरर ऑफ x, ट्रू वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस एरर ऑफ y और इसकी पावर माइनस वन। ये कॉमन मैथ्स है जो आप 7th क्लास में सीखते हैं, नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाता है तो उसकी जो भी पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, तो ये टर्म ऊपर गई तो इसकी पावर माइनस में हो गई, यहाँ इसकी पावर कितनी है प्लस वन, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ओके, अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, जेड बार कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड बार। ये आपको मैथमेटिशियन ने सिखाया होगा। इसमें से एक्स बार कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स बार। इसमें से वाई बार कॉमन ले लीजिए तो वाई बार जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई बार। अच्छा, जब हम किसी में से कुछ कॉमन लेते हैं तो जो भी हमने कॉमन लिया उसके साथ उस ब्रैकेट की पावर आती है, तो इस ब्रैकेट की पावर क्या है, प्लस वन, तो प्लस वन आया। इसकी पावर क्या है, माइनस वन, तो इसके साथ पावर क्या आएगी, माइनस वन पावर भी आएगी। ये बात समझा भाई। ओके, तो अगले स्टेप में ये एज इट इज रहने वाला है, ये आपने लिख लिया होगा। अगले स्टेप में आपको मालूम है एक्स की पावर वन को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स, तो ये वाई बार की पावर क्या है, माइनस वन, तो इसको अगले स्टेप में आप ये लिख सकते हैं, वन अपॉन वाई। बिल्कुल समझ में आ गया वो सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप कॉपी में जब करेंगे तो अगले स्टेप यूज करेंगे, एक्स बार मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई बार, तो क्या मैं इसको इसके साथ लेके जा सकता हूं, देख लीजिए, यहां ये जो 1 अपॉन y था उसको मैं इसके साथ लेके आ गया। तो हमने क्या किया, आफ्टर कंपेयरिंग, ये जो z बार है ये क्या है, z की ट्रू वैल्यू
और यहाँ x बार क्या है, x की ट्रू वैल्यू, और ये y क्या है, y की ट्रू वैल्यू। तो z बार को मैं इनके बराबर ले लेता हूँ और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर z की मेजर वैल्यू x की मेजर वैल्यू अपॉन y की मेजर वैल्यू है तो z की ट्रू वैल्यू क्या होगी, x की ट्रू वैल्यू अपॉन y की ट्रू वैल्यू। यहां तक कर लिया आपने, चलिए ओके। अब चूंकि z बार बराबर है x बार y बार के तो यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी हमारे पास केवल क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस एरर ऑफ z अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ z, 1 प्लस माइनस एरर ऑफ x अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x इनटू 1 प्लस माइनस एरर ऑफ y अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ y। देखिए इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि ये आपने क्या ले लिया है, इक्वल। तो इक्वेशन 1 समझ में आ गई सभी को, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा ओके। 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड बार इज इक्वल टू, इनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आया, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स बार। अब इन दोनों की 1 से कर दिया, अब इन दोनों की इससे करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई ओवर वाई बार, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो डेल एक्स अपॉन एक्स बार और डेल वाई अपॉन वाई बार, ठीक है। चलिए चूंकि डेल एक छोटी टर्म होती है तो डेल एक्स और डेल वाई तो और भी ज्यादा छोटी टर्म हो जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट डेल एक्स अपॉन एक्स बार डॉट डेल वाई अपॉन वो वाई बार वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड ओवर जेड बार, 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स बार, प्लस माइनस डेल वाई ओवर वाई बार। देख लीजिए ये टर्म आपकी क्या हुई, कैंसिल आउट, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल जेड ओवर जेड प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स बार, सॉरी यहां पे जेड बार आएगा, प्लस माइनस डेल वाई ओवर वाई बार, क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, डेल एक्स ओवर एक्स बार डेल वाई ओवर वाई बार, प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाएगा तो डेल जेड ओवर जेड बार डेल एक्स ओवर एक्स बार डेल वाई ओवर। तो ये हमारी इक्वेशन बी बन गई, जिसको हम यूज करेंगे एरर को फाइंड आउट करने के लिए, किस केस में, डिवीजन के केस में। तो ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ए यूज करेंगे और एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन बी यूज करेंगे। तो दिस इज दीज टू इक्वेशन वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल विच बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एरर। ओके, वी हैव अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिवीजन मेथड। देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमें वोल्टेज दिया गया है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 1 और रेजिस्टेंस R दिया गया है 8 प्लस माइनस 2। हमसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ करंट। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले हम करंट को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो हमसे करंट पूछा गया है I इज इक्वल टू
वी अपॉन आर। तो देखिए, तो आई हमें निकालना है, जो हमें निकले जो कहां से मिलेगा, वी और आर की हेल्प से। और यहां देखिए कि वी और आर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो वी विल यूज द डिवीजन मेथड। तो देखिए सबसे पहले वी कितना है, 20 प्लस माइनस 1, और आर कितना है, 8 प्लस माइनस 2। तो ये v की मेजर वैल्यू है, ये r की मेजर वैल्यू है। तो v की ट्रू वैल्यू क्या होगी, 20, r की ट्रू वैल्यू 8, v का एरर 1 और r का एरर 2। याद है मेजर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, मेजर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो v की ट्रू वैल्यू यानी v बार कितना है, 20, और डेल v कितना है, 1। ऐसी r की ट्रू वैल्यू, डेल r कितना, वो r बार कितना है, 8, और डेल आर कितना है, 2। तो ये हमें पता चल गया। ओके, तो सबसे पहले हमसे सवाल वाले ने आई की वैल्यू पूछी है, तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बार प्लस माइनस डेल आई। देखिए किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ को कैसे लिखते हैं, उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर। तो सवाल वाले ने हमसे आई पूछा है, तो मुझे एक तो क्या मिल जाए, आई की ट्रू वैल्यू और एक आई का एरर। तो अगर ये दोनों चीज़ मुझे मिल जाती हैं तो मेरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ दीजिए। सबसे पहले निकालेंगे ट्रू वैल्यू। तो आई की ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी, आप डिवीजन मेथड में जेड बार कैसे मिलता था, एक्स बार अपॉन वाई बार। तो आई बार कैसे मिलेगा, वी बार अपॉन आर बार। तो यहां से वी बार कितना है, 20, और आर बार कितना है, 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो You will get 2.5। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, डेल आई। तो ट्रू वैल्यू के लिए, तो हमने आई की ट्रू वैल्यू निकाल ली इक्वेशन ए यूज करके, अब हम आई का एरर निकालेंगे इक्वेशन बी यूज करके। तो याद है आपको जेड, डेल जेड इज इक्वल टू डेल बार, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बार प्लस डेल वाई इज इक्वल टू वाई बार। यही तो थी हमारी इक्वेशन भी। तो जहां एक्स का काम, जहां जेड का काम कौन कर रहा है, आई, एक्स का काम कौन कर रहा है, वी, और वाई का काम कौन कर रहा है, आर। क्लियर हो गया। तो रखिए वैल्यू, डेल आई 1, सॉरी बेटा डेल आई तो मुझे निकालना है, डेल आई अपॉन आई बार कितना आया, 2.5। डेल वी, डेल वी कितना आया, 1। वी बार 20, डेल आर 2, आर बार 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डेल आई 2.5, तो जब आप 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.05, और जब आप 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.25। ओके, और डेल आई अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एड कीजिए तो बट यू विल गेट 0.30। तो यहाँ से डेल आई कितना हो जाएगा, 0.30 मल्टीप्लाई 2.5, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो यू विल गेट 0.75। ओके, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, आपने जो आई की ट्रू वैल्यू निकाली है उसमें डेसिमल के बाद कितनी है, 1 डिजिट। तो एरर में भी डेसिमल के बाद क्या होनी चाहिए, 1 डिजिट। तो ये जो 5 है, 5 का रूल याद है, जब हम 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो रूल क्या होता है, अगर अगली डिजिट ओड है तो वो 1 बढ़ जाती है। तो जब मैं इस 5 को हटाऊंगा तो 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। देखिए
ट्रू वैल्यू में डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, एरर में भी डेसिमल के बाद हम उतने ही डिजिट लेते हैं। तो ये हमारा आई बार आ गया और ये हमारा डेल आ गया, यानी हमारी आई की ट्रू वैल्यू भी आ गई और आई का एरर भी। तो हम इक्वेशन वन यूज करेंगे, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। तो बाय इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन वन है, तो I इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 0.8। अगर न्यूमेरिकल में केवल आपसे करंट पूछा गया होता कि भाई कैलकुलेट द करंट, परसेंटेज एरर की जगह केवल करंट पूछा गया होता तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया था, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज एरर। तो वो कैसे निकलेगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर याद है बेटा आपको क्या, जिसका भी परसेंटेज एरर निकालना है उसका एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो एरर कितना है 0.8, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। तो करिए, ठीक है, 0.8 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.32 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो परसेंटेज एरर ऑफ करंट इज 32%। तो दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल। तो इस तरह से आपने परसेंटेज एरर निकाला। तो एरर का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे आपको करना हो तो वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, इक्वेशन ए से, और ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन ए से, एरर कैसे निकलेगा, इक्वेशन बी से, और फिर मेजर वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, बस दिस इज द। तो आप इन सभी मेथड को सीखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी जो आपको न्यूमेरिकल बुक में उनकी प्रैक्टिस करेंगे।